हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल डी टू आर स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चार्ल्स का नियम। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स ला क्या है, इसका क्या क्या डेरिवेशन होते हैं, चार्ल्स नियम पर किस तरह से आधारित हमारे न्यूमेरिकल सवाल आते हैं, इस वीडियो में क्लियर करूंगा। इस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी, क्लास 11 तो इसका बहुत सारा भूमिका पढ़ना है और अदर कंपिटेटिव एग्जाम में इससे बहुत सारे सवाल भी आए हैं। दोस्तों इसके लिए इस वीडियो को अंत देते रहेगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि कुछ वीडियो से सीखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए चार्ल्स का नियम, तो सबसे पहले पढ़ना है चार्ल्स का नियम क्या। तो देखिए चार्ल्स जो साहब थे उन्होंने क्या बताया, देखिए ऐसे समझते हो कि चार्ल्स का जो नियम ये गैस पर लागू, याद रखिएगा चार्ल्स का नियम सबसे पहला बात देखा तो ये गैस के नियम है, सिर्फ गैस पर ही लागू होगा। ठीक है, तो चार्ल्स साहब क्या बताए थे, उन्होंने बताया दाब को कांस्टेंट कर दिए, गैस के लिए देखें कि जब दाब को कांस्टेंट कर देते हैं तो आयतन जो था ना वो ताप का समानुपाती होता था, यानी कि जब आयतन जब ताप बढ़ाते थे तो आयतन गैस का बढ़ जाता था और जब ताप को घटाएं तो आयतन घट गया। इस तरह से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब दाब को कांस्टेंट कर देंगे, यानी कि दाब को मान लीजिए मैं स्थिर मान लेता हूँ या नियतांक मान लेते कुछ भी द्रव के, तो उन्होंने क्या देखा कि आयतन जो होता ना, आयतन यानी कि किसी भी गैस का वॉल्यूम, वो क्या था दोस्तों, परम ताप या सिंपल ताप भी बोल सकते हैं, ठीक है, उस समानुपाती होता है। इसका मतलब जब ताप बढ़ा दीजिएगा तो आयतन भी बढ़ेगा, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और जब इसको डिक्रीज करेंगे घटाएंगे तो आपका आयतन भी घट जाएगा। इसका मतलब भी समानुपाती टी होता है। कब ये टी होता पता है, जब दाब को स्थिर रखेंगे, ऐसा नहीं कि दाब को कॉन्स्टेंट रखें, नहीं दाब भी बदला रहा है तो आप सोचिए कि ये नियम लागू हो जाती, नहीं लागू होगा, दाब को जब कांस्टेंट रखिएगा ना तभी आपको ये गैस किसी भी गैस के लिए लागू होगा। ठीक है, भी समानुपाती टी, तो यहाँ से तो जब देखिए जब समानुपाती का चिन्ह है तो क्या आता है, के आता है ना, तो मैंने हटा दिया इसको तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा कुछ तो क्या आ जाएगा, अब देखिए के टी की सर लाइए इस लाइएगा तो क्या बनेगा, भी वटर टी बराबर के, तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं भी वन वटर टी वन लिख सकते हैं बराबर भी टू वटर टी टू, इसमें तो कोई लाजमी नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए वॉल्यूम वाला को एक साथ रखिए, टेम्परेचर वाला कैसा रखिए, तो भी टू को इस लाइए तो क्या बनेगा, भी वन बटे भी टू, और दोस्तों ये टी वन को उसे ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी वन बटे टी टू। तो यहाँ से दोस्तों आप एक जो डेरिवेशन निकल के आया ना, भी वन बटे भी टू बराबर टी वन बटे टी टू, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको प्रश्न वो इसी बेस पर आपको रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो पहले इसको परिभाषा देखेंगे क्या क्या है, इसका ग्राफ देखेंगे कैसे ग्राफ बनता है, इसका क्या एप्लीकेशन है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या कहता है, चार्ल्स का नियम क्या कहता है, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का ताप, आयतन क्या होता है, उसका परम ताप का समानुपाती होता है, यानी भी समानुपाती टी, यानी भी बराबर के टी, तो भी बटे टी बराबर कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा आ गया भी वन बटे भी टू बराबर टी वन बटे टी टू। देखिए दोस्तों जो हमारे घरों में आप जो रोटी सब लोग खाते हैं तो जो रोटी फूलता है ना वो चार्ल्स के नियम पर ही आधारित है, क्योंकि आप देखे होंगे जब रोटी को जितना गर्म किया जाता है वो आप ज़्यादा फूलता है, देखेंगे यानी कि जब गर्म कर रहे हैं तो ज्यादा फूल रहा है, यानी उसका आयतन उसमें बढ़ रहा है, यानी कि वो चार्ल्स के नियम पर, जैसे गुब्बारा फूलता है तो भी आपको चार्ल्स के नियम पर ही उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे, पहले इसका परिभाषा लिखाता हूँ जो आप याद लिखिएगा एग्जाम में, आपको सवाल आएंगे तब। ठीक है, तो देखिए पहले न्यूमेरिकल बता दूंगा कैसे न्यूमेरिकल आएगा, इसको टेंशन नहीं लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, यह नियम, अरे देखिए यह नियम किसके किस रिलेशन बता रहा है बताइए, तो आयतन और ताप के बीच बता रहा है ना, तो आपसे एग्जाम में कंप्लीट एग्जाम में सवाल ऐसे ही रहेंगे, बोलेगा कि चार्ल्स का नियम किनके किनके बीच संबंध बताता है, दाब आयतन, आयतन ताप, कि ताप दाब, ऐसे रहेगा। तो क्या बताना, आयतन और ताप बताना है, क्या बताना है, बी टी, ये बी टी बताना है चार्ल्स का नियम। और जो तुम वीडियो बना था बॉयल का नियम, तो बॉयल का नियम क्या था, बी पी था, दाब और क्या था हमारा, दाब था, क्या था दोस्तों आपका, आयतन और दाब था ना, बी था बी पी था ना, वो बॉयल का नियम ये याद रखिएगा। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यह नियम किसी गैस के क्या बताता है दोस्तों, किसी गैस के आयतन तथा ताप के बीच संबंध को बताता है, आयतन तथा ताप के बीच के संबंध को बताता है। ये गैस पर ही लागू होगा दोस्तों, कब लागू होगा, जब आपका दाब कांस्टेंट रहेगा, के बीच के संबंध को बताता है, कौन सा नियम दोस्तों, चार्ल्स का नियम। मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही आपको सवाल आएगा, कंपिटेटिव वाले बच्चों के लिए ऐसे ही सवाल आएगा। ठीक है,
तो हमारा चार्ल्स का नियम क्या, गैस का आयतन और ताप का भी समान बताता है। अब जो चीज लिख देंगे क्या इस नियम के अनुसार, एक क्या चूंकि नियम क्या है भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इस नियम के अनुसार क्या है, मैंने बताया था ना कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन ताप का समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिएगा क्या, स्थिर, स्थिर का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर किसी गैस, किसी गैस के निश्चित मात्रा, क्योंकि इसका तो कुछ मात्रा होगा ही, निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम, परम ताप, ऑब्सोलेट टेम्परेचर, परम ताप का क्या था समानुपाती होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्सोलेट टेम्परेचर, परम ताप का क्या था समानुपाती होता, यानी कि दोस्तों लिख सकते हैं अर्थात क्या लिख सकते दोस्तों, आयतन समानुपाती क्या था दोस्तों परम ताप, यानी कि दोस्तों भी समानुपाती टी, कोई दिक्कत यहां से दोस्तों, भी बराबर हमारा दोस्तों एक यहां को आ जाएगा आपका है दोस्तों यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा के गुना टी, तो दोस्तों भी बटे टी बराबर क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा, कोई नियतांक आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहां से क्या कर सकते हैं वी वन बटा टी वन बराबर वी टू बटा टी टू, ये आपको आ गया। देखिए अब दोस्तों की तो हमारा हो गया, अब जो हम ग्राफ खींचेंगे, जिससे मैं आपको बोयल्स के लिए भी ग्राफ खींचा था ना, तो उसी से मैं ग्राफ खींचूंगा ना किसके किसके बीच, जिसे बी टी के बीच ग्राफ खींचता हूँ, बी टी ग्राफ, तो यहां से दोस्तों ऐसे ग्राफ आ जाएगा। इसका दोस्तों ग्राफ कुछ अलग तरीके से होता है, ऐसा होता है देखिए ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे ग्राफ आता है। ये दोस्तों जो ग्राफ देख रहे हैं ये दोस्तों सम दाब होता है, सम जिसे देखे समतापी वक्र पढ़े थे ना, वो हमारा बोयल के नियम, ये सम दाब, इसमें क्योंकि दाब कांस्टेंट है ना, तो ये आपको होता है जो, तो ये मान लीजिए भी होगा, ये आपका टी के बीच ग्राफ खींच रहे, तो ग्राफ में बताया इस तरह से ग्राफ होगा, जब भी टी के बीच ग्राफ खींचेंगे चार्ल्स के नियम में। अब देखिए दोस्तों न्यूमेरिकल कैसे हमारा आएगा सवाल है, तो देखिए थोड़ा बताता हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल कैसे आपको आएगा, देखिए चूंकि आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो आप बस इस डेरिवेशन को याद रखिए, किसका वी वन बटा वी टू बराबर टी वन बटा टी टू, बोयल के नियम, ये जो देख रहे हैं ना आप ना इसी से को याद रखिएगा। जैसे न्यूमेरिकल ऐसे सवाल कैसे आएगा, देखिए इसे मैं मान लेता हूँ दोस्तों, दे देगा आपको क्या बोल देगा क्या दोस्तों, देखिए जैसे बोला कैसे, मान लीजिए तो बोल देगा आपको ऐसे देखिए 373 केल्विन दे देगा, 373 केल्विन, मान लीजिए सपोज करिए किसी गैस का आयतन आपको दे दिया है, मान लीजिए 500 लीटर, ईमेल में भी रह सकता, ठीक है। अब आ गया दोस्तों देखिए, अब फिर क्या बोलेगा दोस्तों कि उसी तरह से बोला फिर क्या 273 केल्विन पर क्या होगा, ठीक है 373 केल्विन पर किसी गैस का दे दिया आपको आयतन इतना है, फिर बोलेगा 273 केल्विन क्या होगा, अब क्या करेगा, ये मान लीजिए वी वन का काम कर रहा होगा, और ये यहाँ देखिए चूंकि ताप है ना, तो आपको टी वन का काम कर देगा, और ये आपका वी वन का काम करेगा, ये मान लीजिए टी टू का काम करेगा, तो आपको वी टू कुछ आप पूछ रहा है, तो क्या करेगा वी वन बटे वी टू लगा दीजिए बराबर टी वन बटे टी टू, तो वी वन का मान कितना है दोस्तों देखिए 500 लीटर, वी टू तो आपको निकालना ही है, तो वी मान लीजिए वी टू मान लीजिए, और टी वन का मान 373 केल्विन है ना, तो 373 केल्विन कर लीजिए, और ये दोस्तों क्या 273 केल्विन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना, तो इस तरह से आप कर सकते कैलकुलेशन कर सकते, ये मैं आपको ताप केल्विन में लिया हूँ, आपको डिग्री सेल्सियस में रहेगा कुछ भी रह सकता है, आपको मैं समझाने के लिए बस लिया हूँ कि कैसे वैल्यू को पुट करना है, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा। इसे दोस्तों एक और सवाल आपको रहेगा, देखिए बोलेगा दोस्तों क्या कि यदि किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन यदि दाब को नियत रखकर, दाब को नियत रखकर किसी गैस का जो है ना, गैस का आयतन दाब को नियत रखकर यदि हम लोग दुगुना कर देंगे तो किस ताप पर दुगुना होगा, ये बोल सकते हैं उसको ताप को दुगुना कर देंगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, तब तो ताप को आप दुगुना करिएगा ना तो उसका आयतन भी दुगुना हो जाएगा, यदि ताप को आप तिगुना करिएगा ना तो उसका आयतन भी तिगुना हो जाएगा, समझे बात को, जब दाब को आधा करिएगा तो उसका गैस का आयतन भी आधा होगा, क्योंकि हम लोग चार्ल्स के नियम में क्या पढ़े आयतन ताप का समानुपाती होगा,
यानी जब आयतन दुगना तो आयतन दुगना तो उसका ताप भी दुगना, यदि उसका ताप दुगना तो आयतन भी दुगना, यदि ताप को तिगुना कर देते हैं तो उसका आयतन भी तिगुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए बोलेगा पहले 100, मान लीजिए बोलेगा पहले 100 लीटर था इतना ताप पर, अब उसी ताप को दुगुना कर देते तो कितना हो जाएगा, तो डायरेक्टली कर देंगे दुगुना कर, तो 200 लीटर, तीना तो 300 लीटर, तो आप वैसे ही संभाले रहेगा। तो इसी न्यूमेरिकल में वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। ठीक है, समझ रहे बात को, तो इस तरह से न्यूमेरिकल आपको आएगा, कुछ भी दे सकता है, क्योंकि ऐसे रहेगा ऐसे इंसेंटिव, इसका बहुत सारा न्यूमेरिकल है, सो हल करिएगा तो इसी से आपको सारा हल हो जाएगा। ठीक है, बस शर्त प्रश्न में आपको दाब कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, तभी आपको ये नियम लागू होगा। जैसे मतलब रोटी फूलता है वो भी आपको इसी का नियम का अनुप्रयोग है, क्योंकि उसमें क्या होता है ताप बढ़ता है तो उसका ज्यादा फूलता है, यानी ज्यादा उसका आयतन बढ़ता है। गुब्बारा का फूलना ये भी सब चार्ल्स के नियम पर ही आधारित है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको इस वीडियो में चार्ल्स का नियम खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जो बच्चे अंत देखेंगे उनको तो समझ में आ गया होगा क्या क्या चार्ल्स का नियम है, कैसे आपको सवाल आएगा एग्जाम में। ठीक है, ग्राफ दे देगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बोला कि किसके कौन सा नियम का ग्राफ है, तो आप देखेंगे वी ओ टी है तो सही बात है भाई, वी टी तो वी टी का रिलेशन चार्ल्स में होता है, तो डायरेक्ट बता देगा चार्ल्स का नियम। तो इस तरह से सवाल आपको आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सारा आपको बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज तक बस इतना ही, वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जितने इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो होगा आप सबसे पहले पहुँचते रहेंगे। और दोस्तों मैं अंत में कहूँगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो स्टूडेंट नहीं जानते वो जाने, आपको बस एक बटन दबाना जिससे कि जो बच्चे चार्ल्स का नियम जानते वो जाने, कुछ आगे बढ़ने। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रही है जय हिंद जय भारत।